आपने माँ की ममता की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी माँ की कहानी बताएंगे जिसकी बेरहमी देख आप हैरान रह जाएंगे कि क्या भला एक माँ ऐसा भी कर सकती है। मामला दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके का है, जहाँ एक जल्लाद माँ ने अपने 2.5 साल के बेटे को बेरहमी के साथ सीढ़ियों से फेंक दिया। ये पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई। सोनू गुप्ता नाम की महिला की किसी बात पर सास ससुर से बहस हो रही थी। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई। इसी बहस की तैश में आकर महिला ने पहले अपने पास में रखे कपड़े फेंके और फिर अपने बेटे को गुस्से से उठाकर बाहर निकली। कमरे से बाहर जाकर इसने बच्चे को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। 5 साल पहले सोनू की नितिन से लव मैरिज हुई थी। घर वालों का कहना है कि शादी के 2-3 महीने बाद से ही सोनू ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार तो मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन घरेलू झगड़ा था तो पुलिस ने समझौता करा दिया। बीती 21 जनवरी को झगड़े ने इतना भयानक रूप ले लिया कि तूम की जान पर बनाई। गनीमत यह रही सूम को ज्यादा चोट नहीं आई। घर वालों की शिकायत के बाद अब पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। कहते हैं पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं होती। मगर दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली हैं और शर्मसार करने वाली भी। देखते रहिए टीवी लाइव।